दोस्तों, माँ बाप दुनिया के पहले ऐसे शख्स होते हैं जिनके प्रेम के छांव में पलकर हम लोग बड़े होते हैं। माँ और बाप दोनों हमें समान प्रेम करते हैं। ऐसा नहीं है कि माँ ज़्यादा प्यार करती है या पिता ज़्यादा प्यार करते हैं। दोनों के प्यार में बस एक ही फर्क होता है कि माँ का प्यार तो सबको दिख जाता है, पर पिता का प्यार दिखता नहीं है। और ऐसा हो भी क्यों नहीं, पिता एक कठोर व्यक्ति होते हैं, उस नीम के पेड़ की तरह, जो होता तो कड़वा है परंतु छाया ठंडी देता है। पापा हमें इतना डांटते हैं जिसकी कोई हद नहीं होती। कभी कभी तो लगता है कि उनके पास डांटने के अलावा कोई काम ही नहीं, पर हमें डांटने के बाद वो खुद भी बहुत परेशान हो जाते हैं। मुझे कभी कोई चीज़ मांगनी नहीं पड़ती, पापा पहले से ही मेरे हर जरूरत का ध्यान रखते हैं। अपनी खुशी से पहले हमारी खुशी देखते हैं, अपनी हर जरूरत से पहले हमारी जरूरत पूरी करते हैं। मैं कितना भी बड़ा हो जाऊँ पर आज भी उन्हें मैं बच्चा ही लगता हूँ। आज भी पापा मुझे कहीं जाते देख यही कहते हैं, ध्यान से जाना और सीधे घर आना। आप जानते हैं कि पापा ऐसे क्यों होते हैं? क्योंकि वो चाहते हैं आप उनसे भी ज़्यादा कामयाब बने। पिता की मौजूदगी सूरज की तरह होती है, जो गर्म जरूर होता है लेकिन अगर न हो तो अंधेरा छा जाता है। आज समझ में आता है कि माँ के बिना पूरा घर बिखर जाता है, पर पापा के बिना तो पूरी दुनिया ही बिखर जाती है। दोस्तों, पिता वो होते हैं जो आपको गिरने से पहले थाम लेते हैं, जेब खाली हो फिर भी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते हैं। मैंने देखा है उन बच्चों को जिनके पिता नहीं होते, वो पिता के प्यार से वंचित होकर मायूसी भरा जीवन जीने को मजबूर हो जाते हैं। पिता एक वट वृक्ष की तरह होते हैं दोस्तों, जिनके पास खड़े होकर बड़ी से बड़ी परेशानी भी छोटी हो जाती है। वक्त आने पर वो हमारे दोस्त भी बन जाते हैं। हम लोगों से चाहे लाख बड़ी गलती हो जाए, पापा पहले डांटते हैं फिर अंत में गले लगा लेते हैं। हर लड़की के नज़र में उसके पापा एक हीरो होते हैं। जब उसके पापा उसके पास होते हैं तो उसे भरोसा होता है कि वह पूरी तरह सुरक्षित है। पर हर पिता के भी कुछ सपने होते हैं। उसके सपने होते हैं कि उनकी औलाद उनसे भी ज़्यादा कामयाब बने। और क्या हम उनके उम्मीदों पे कभी खड़े उतरने की कोशिश करते हैं? बचपन से लेकर बड़े होने तक हम उनसे हजारों झूठ बोलते हैं, हजारों गलतियाँ करते हैं, हम उनकी हर बात को अनसुनी करते हैं। लेकिन आज समझ में आता है कि उनके हर बार टोकना केवल इसलिए था कि हम भी पढ़ लिख कर एक कामयाब इंसान बने, ताकि आने वाले समय में पापा की तरह धूप में जलना न पड़े। लेकिन आज के अधिकांश कामयाब इंसान अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेज रहे हैं, या तो उनके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं। जरा सोचिए, आप भी एक दिन माता पिता बनेंगे, अगर आपकी औलाद आपके साथ ऐसा ही करेंगे तो आपको कैसा लगेगा? दोस्तों, जब तक इंसान के सर पे माँ बाप का साया होता है तब तक वह बहुत खुशहाल होता है। इसलिए अपने माता पिता के दर्द को समझें और उन्हें हर हाल में खुश रखने की कोशिश करें। चंद सिक्कों में कहाँ तुमको वफा मिलती है, बाप के हाथ भी चूमो तो दुआ मिलती है। कभी मोहब्बत के नज़र से उन्हें देखो तो यारो, उनकी मुस्कान में जन्नत की अदा मिलती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।